गीतों भरी कहानी में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डॉक्टर जया आनंद की लिखी कहानी उन्हीं के स्वर में। शीर्षक है प्यार है नाम तुम्हारा। हेलो, कौन? पहचानो, कौन है? अरे यार, भुला दिया हमें। और एक खिलखिलाती हुई हंसी फोन पर सुनाई पड़ी। अरे स्नेहा, तुम? इतने दिनों बाद, कैसी हो तुम? प्रीति ने आवाज पहचान ली थी। प्रीति यार, तुम तो मेरी पक्की वाली सहेली हो, तुमसे कैसे दूर रह सकती थी? ऐसे भी दोस्ती निभाने में हम तो नंबर वन हैं। बहुत सारी बातें करनी है मुझे तुमसे। अच्छा, मेरा फोन नंबर लिख लो। अभी मुझे हॉस्पिटल जाना है, कल बात करते हैं। स्नेहा ने जल्दी से फोन रख दिया। हॉस्पिटल? प्रीति कुछ चिंतित हो उठी। प्रीति के मन में स्नेहा की स्मृतियां चलचित्र की तरह तैर गईं। कॉलेज में फॉर्म भरने की लाइन में प्रीति खड़ी थी लाल रंग के पुलका डॉट का सूट पहने, और उसी लाइन में स्नेहा काले रंग के पुलका डॉट का सूट पहने खड़ी थी। उन दिनों पुलका डॉट का बड़ा फैशन था। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिल जानम के चले जाने के बाद आती हैं। दरिया का है पानी, पानी तो बह जाए, बाकी क्या रह जाए। यादें 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 शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिल जानम के चले जाने के बाद आती हैं। दुनिया में यूं आना, दुनिया से यूं जाना, आओ तो ले आना, जाओ तो दे जाना। यादें यादें
सी दिल जानम के चले जाने के बाद आती है गम है किसी के पास, स्नेहा जोर से बोली। उसे फॉर्म पर फोटो चिपकानी थी। हाँ है, देती हूं। प्रीति ने मुस्कुराते हुए गम की छोटी सी शीशी स्नेहा को थमा दी। बदले में स्नेहा ने भी अपनी मुस्कान बिखेर दी। फॉर्म सबमिट कर बाहर निकलते हुए स्नेहा चपल मुस्कान के साथ प्रीति की ओर मुखातिब हुई। थैंक यू सो मच, फॉर्म से मेरी फोटो निकल गई थी, मैं तो घबरा गई थी कि क्या होगा अब। थैंक यू कैसा, चलो आओ उधर सीढ़ियों पर थोड़ी देर बैठते हैं, प्रीति बीच में ही बोल पड़ी। प्रीति स्नेहा दोनों वहां अकेले थे और दोनों को शायद इसलिए एक दूसरे का साथ मिल गया था। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? स्नेहा ढोले। और तुम्हारा? प्रीति सक्सेना। अरे वाह, हम दोनों के नाम भी कितने मिलते हैं और हमारी ड्रेसेस भी, प्रीति आश्चर्य मिश्रित खुशी के साथ बोली। हम गढ़वाल के हैं, स्नेहा ने उत्तर दिया। प्रीति गौर से स्नेहा को निहार रही थी। बड़ी बड़ी आंखें, तीखी नाक, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ, दमकता हुआ रंग, मतलब सुंदरता के पैमाने पर तराशा हुआ चेहरा थी स्नेहा, और पहाड़ी निश्चलता से सराबोर उसका व्यक्तित्व। क्या हुआ? स्नेहा ने टोका। नहीं बस ऐसे ही, प्रीति मुस्कुराकर रह गई। तुम कितने भाई बहन हो? स्नेहा ने पूछा। एक भाई बहन। अरे हम भी एक भाई बहन, कितना कुछ मिलता है हमें, है ना? स्नेहा जोर से खिलखिलाते हुए बोल पड़ी। हाँ सच में, प्रीति भी आश्चर्य से भर गई थी। तो आज से हम दोनों दोस्त हुए, दोनों ने एक साथ हाथ पकड़कर हंसते हुए कहा। कॉलेज से निकलकर दोनों ने जूस सेंटर पर ताजा ताजा मौसमी का जूस पिया, क्योंकि दोनों को ही मौसमी का जूस बहुत पसंद था, और इस तरह शुरू हुई दोनों की दोस्ती। लोग कहते हैं दोस्त हम चुनते हैं, पर प्रीति का मानना है कि दोस्ती भी हो जाती है, जैसे उस दिन स्नेहा से उसकी दोस्ती हो गई थी। ये जलते हैं फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारों दिल का हाल बुरा होता है। जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारों दिल का हाल बुरा होता है। तीर चलते हैं आहा हा, दिए जलते हैं फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं। करना जान भी मांगे यार तो दे देना, नाराज न करना। रंग उड़ जाते हैं धूप
धूप ढलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं। दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है, सच कहता हूँ सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है। उम्र भर दोस्त लेकिन साथ चलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं। बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते। प्रीति स्नेहा की यादों को एक सिरे से समेट रही थी। उसने पुराने एल्बम निकाले। एक फोटो थी एनसीसी कैंप की, जिसमें वो खुद और स्नेहा पैरासिलिंग कर रहे थे। प्रीति को कैंप की याद हो आई। यार वो लड़का कितना हैंडसम है, बस एक नजर देख ले, स्नेहा ने चुहलबाजी करते हुए कहा। क्या स्नेहा, हर समय लड़कों को देखती रहती हो, प्रीति गंभीरता ओढ़कर बोली। अरे यार, एनसीसी में हमारे कैंप लड़कों से अलग हो जाते हैं, तो नैन सुख तो ले ही सकते हैं ना, स्नेहा बोलते बोलते जोर से हंस पड़ी। प्रीति और स्नेहा दोनों ने ही ग्रेजुएशन में एनसीसी ली थी और पहली बार दोनों घर से दूर कैंप गई थी। साथ साथ खाना, साथ साथ रहना, साथ साथ परेड करना, लगभग सारे काम साथ, और उनकी दोस्ती इस तरह गहरी होती जा रही थी। कोई जब राह ना पाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। कोई जब राह ना पाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। माने तो सब दुख दूर, दोस्ती को माने तो सब दुख दूर। कोई काहे ठोकर खाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। है भाई तो बहना है प्यार। कोई मत नैन चुराए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। प्यार का है प्यार ही नाम,
का यारो नहीं कोई धाम, दोस्ती का यारो नहीं कोई धाम। कोई कहीं दूर ना जाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। कोई जब राह ना पाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। कितने गंदे पैर लेकर आई हो, स्नेहा ने डांटते हुए कहा। अरे यार, आज मेरी सफाई की ड्यूटी थी सो पैर में कीचड़ लग गया, प्रीति भी गुस्सा पड़ी। कैम की सफाई कर खुद को गंदा कर लिया, स्नेहा बड़बड़ाती जा रही थी। स्नेहा तुरंत उठी और एक तौलिया लेकर प्रीति का पैर बड़ी ही तन्मयता के साथ साफ करने लगी। प्रीति स्नेहा का यह रूप देखकर हैरान थी। स्नेहा को उसका पैर साफ करने में तनिक भी संकोच नहीं हुआ, एक मातृवत भाव के साथ वह यह सब कर रही थी। कहां से आई उसके अंदर यह भावना? शायद उसकी परिस्थितियां, प्रीति सोच में पड़ गई। एक दिन जूस सेंटर में जूस पीते पीते प्रीति ने कहा, स्नेहा आज चलो मेरे घर, मेरे माँ पापा से भी मिलो। स्नेहा उस दिन प्रीति के घर गई। उसे प्रीति के यहाँ बहुत अच्छा लगा। कितने अच्छे हैं तुम्हारे माँ पापा और तुम्हारी प्यारी सी दादी, माँ ने कितने अच्छे पकौड़े बनाए, स्नेहा बिना रुके बोले जा रही थी। अचानक मुस्कुराई, और तुम्हारा भाई भी बहुत अच्छा है, शरारत के साथ आंखें मटकाते हुए अपने चिर परिचित अंदाज में स्नेहा बोल पड़ी। प्रीति भी स्नेहा के इस अंदाज को बखूबी समझ चुकी थी, वह भी हंस पड़ी। ओ निगाहें मस्ताना, देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के हाँ जरा झुक जाना, ओ निगाहें मस्ताना, देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के हाँ जरा झुक जाना, ओ निगाहें मस्ताना। कोई देखे नशीली आंखें मलमल के, दिल कैसे बने न दीवाना, क्षमा करे है इशारे जब जल जल के, कहो क्या करे परवाना, ओहो ओ निगाहें मस्ताना, देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के जरा झुक जाना, ओहो निगाहें मस्ताना। दामन न बचाना मेरे हाथों से, हर माँ के गले से लग जाना, जले चाँद सितारे जिन बातों से, सुन जा वही अफसाना, ओहो ओ निगाहें मस्ताना, देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के हाँ जरा झुक जाना, ओहो निगाहें मस्ताना।
हस्ती के दियों को बुझ जाने दे, लहरा के न रुक रुक जाना, चाहत का लबों पे ना माने दे, यही प्यार का है जमाना। बस्ती के दियों को बुझ जाने दे, लहरा के न रुक रुक जाना, चाहत का लबों पे ना माने दे, यही प्यार का है जमाना। ओहो ओ निगाहें मस्ताना, देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के हाँ जरा झुक जाना। ओहो निगाहें मस्ताना। अब मुझे भी अपने घर ले चलो, प्रीति ने स्नेहा से कहा। मेरे घर? स्नेहा कुछ हिचकिचा गई। ले चलो ना स्नेहा, तुम्हारा घर तो खेत खलियानों के पास है, बहुत मजा आएगा। अच्छा अच्छा कल चलना। स्नेहा का स्वर कुछ धीमा पड़ गया था। कितनी सुंदर जगह है तुम्हारा घर, हरे भरे खेतों के बीच। प्रीति स्नेहा का घर देखकर खुशी से झूमी जा रही थी। स्नेहा का घर कच्चे रास्तों से गुजरता था। घर पहुंचते ही स्नेहा ने अपनी दादी से मिलवाया। ये है मेरी सबसे प्यारी दादी, तुम्हारी दादी की तरह। और दादी ये है मेरी पक्की वाली दोस्त प्रीति, स्नेहा ने बड़ी गर्मजोशी से मिलवाया। स्नेहा ने फिर प्रीति को गर्मा गर्म छोले चावल खिलाए। स्नेहा छोले तो बहुत टेस्टी हैं, आंटी ने बनाए होंगे, प्रीति खाते खाते बोली। नहीं मैंने बनाए हैं, स्नेहा कुछ गंभीर हो गई थी। तुमने? यार स्नेहा यू आर ग्रेट कुक। वैसे आंटी कहाँ हैं? प्रीति ने पूछा। मम्मी मम्मी वो, स्नेहा की बात अधूरी रह गई थी। पीछे वाले कमरे से साधारण सी एक महिला वहां आ गई। प्रीति कुछ आश्चर्य से उन्हें देखने लगी। मेरी मम्मी, स्नेहा ने उस महिला का परिचय कराया। प्रीति सोच में पड़ गई। स्नेहा तो कितनी सुंदर और उसकी मम्मी साधारण सी, बिखरे बाल, दांत भी कुछ टूटे हुए, ये कैसे? कई सारे सवालों से प्रीति घिर गई थी। स्नेहा की मम्मी कुछ अजीब सी मुस्कान के साथ अंदर चली गई। प्रीति तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा ना, मेरी मम्मी ऐसी? दरअसल मेरी मम्मी पहले बहुत अच्छी दिखती थी, लेकिन जब से मेरा भाई किडनैप हुआ तब से मम्मी की हालत ऐसी हो गई। भाई तो वापस मिला, लेकिन मम्मी तब तक मेंटल पेशेंट हो चुकी थी। स्नेहा धीरे धीरे बोल रही थी। उफ, प्रीति ने एक लंबी सांस भरी। कितना दुख है जीवन में, मां होते हुए भी मां का प्यार दुलार ना मिले। स्नेहा तो अपनी मां से कोई जिद भी नहीं कर पाती होगी। प्रीति का मन भरा जा रहा था। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। अच्छी है।
चलो प्रीति, मैं तुम्हें अपना स्कूल दिखाती हूँ। हमारे स्कूल तो को एजुकेशन था, एक से एक स्मार्ट लड़के पढ़ते थे। अब तो हम गर्ल्स कॉलेज में आ गए। स्नेहा ने शायद प्रीति के माथे पर पड़ी सलवटों को देख लिया था और वो माहौल को कुछ हल्का करना चाहती थी। स्नेहा तुम भी ना, प्रीति और स्नेहा दोनों सहेलियां जोर से हंस पड़ी थी। प्रीति उस दिन अपने पुराने एल्बम की हर फोटो को बड़े गौर से देख रही थी। वेलकम पार्टी, टीचर्स डे, फेयरवेल, एनुअल फंक्शन, हर फोटो में प्रीति और स्नेहा छाए हुए थे। पर दिन हमेशा एक से नहीं रहते। ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के आखिरी दिनों में स्नेहा कॉलेज में लगातार एब्सेंट हो रही थी। प्रीति चिंतित थी। क्या हुआ, क्यों नहीं आ रही स्नेहा? पता चला स्नेहा बहुत दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट है। हे भगवान, स्नेहा को क्या हो गया? प्रीति परेशान हो उठी। प्रीति हॉस्पिटल पहुंची जहां स्नेहा एडमिट थी। स्नेहा का चेहरा बिल्कुल स्याह पड़ चुका था, आंखें गड्ढे में चली गई थी, चेहरा फीका फीका सा लग रहा था, देह जैसे हड्डी का ढांचा। प्रीति को स्नेहा का वो दमकता हुआ सौंदर्य याद आ गया। और अब आओ प्रीति, एक कमजोर सी आवाज और फीकी मुस्कान के साथ स्नेहा बोली। प्रीति उसके पास रखे स्टूल पर बैठ गई और स्नेहा का हाथ पकड़ते हुए पूछा, क्या हो गया स्नेहा? किसी को कुछ बताया भी नहीं, अकेले ही अकेले सारे दुख झेलती रही। नहीं नहीं प्रीति, कुछ पता ही नहीं चला। पहले फीवर और हल्की कमजोरी थी, फीवर की दवा ले ली थी, पर घर का काम भी रहता था और वीकनेस बढ़ने लगी और एक दिन खून की बहुत सारी उल्टियां हुई। मेरे पापा तो बहुत घबरा गए थे, फिर यहां हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। स्नेहा धीरे धीरे सारी बातें प्रीति को बताती जा रही थी। और तुम्हारी मम्मी? प्रीति ने तुरंत ही पूछा। मम्मी को तो कुछ पता ही नहीं चलता, वो तो, बोलते बोलते स्नेहा रुक गई और गहरी सांस अंदर खींच कर रह गई। पर खून की उल्टियां क्यों हुई तुम्हें? प्रीति अगले प्रश्न के साथ तैयार थी। दरअसल मुझे सीवियर ट्यूबरकुलोसिस है, पूरे लंग्स में इन्फेक्शन है, थोड़ा मुझसे दूर ही रहो। स्नेहा पहले तो कुछ गंभीर थी और फिर हंसती। पर स्नेहा, तुम्हारा इलाज तो सही हो रहा है ना? यहाँ के डॉक्टर्स अच्छे हैं ना? प्रीति ने चिंतित स्वर में पूछा। स्नेहा के चेहरे पर शरारत टपक गई। बोली, अरे यार प्रीति, डॉक्टर्स तो अच्छे हैं, एक नहीं दो दो अच्छे हैं, एक सीनियर डॉक्टर और एक जूनियर डॉक्टर। सीनियर वाला ना मेरे गढ़वाल का ही है, पर सूरत जूनियर वाले की ज्यादा अच्छी है। स्नेहा तुम नहीं सुधरोगी, इतनी बीमार हो फिर भी। प्रीति हंसते हुए उसका गाल सहलाते हुए बोली,
प्रीति, तो क्या मैं रोती रहूं हर समय? अब तुमने ही पूछा कि डॉक्टर्स कैसे हैं तो मैंने बताया, स्नेहा हल्के गुस्से से बोली। इतने में एक साधारण नैन नक्श का सांवला सा डॉक्टर आया। उसे एग्जामिन किया और पूछा, स्नेहा जी, अब वॉमिटिंग बंद हुई? फीलिंग बेटर नाउ? हाँ डॉक्टर, स्नेहा ने धीमे से जवाब दिया। पीछे एक हैंडसम सा जूनियर डॉक्टर भी साथ था। उसने स्नेहा को कुछ दवाएं दी और मुस्कुराते हुए चला गया। देखा प्रीति, दोनों डॉक्टर अच्छे हैं ना, स्नेहा चहक कर बोली। प्रीति प्यार से स्नेहा को सहलाने लगी और बोली, स्नेहा जल्दी से ठीक हो जाओ, परीक्षाएं भी पास आ रही हैं, मैं तुम्हें नोट्स दे दूंगी, ओके? स्नेहा ने भी प्रीति का दूसरा हाथ अपने हाथों से कस के पकड़ लिया और आंसुओं की दो बूंदें उसकी आंखों से ढुलक गईं। प्रीति अपनी आंखों को छलकने से बचाने के लिए तेज आवाज में बोली, माई डियर, गेट वेल सून। प्रीति भीगी पलकों के साथ वहां से चली आई। जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करें जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। इतनी सुंदरता एक धड़कन है तू दिल के लिए, एक जान है तू जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। सुगंध है सांसों में बाहों में कमल की कोमलता, किरणों का तेज है चेहरे पे हिरणों की है तुझ में चंचलता। आंचल का तेरे है तार बहुत, कोई चाक जिगर सीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। परीक्षाएं पास आ गई थी। स्नेहा की तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई थी, वो फाइनल्स के एग्जाम्स नहीं दे सकी। स्नेहा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपनी दादी के साथ पहाड़ चली गई। प्रीति भी आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चली गई, वहीं हॉस्टल लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन करने लगी और साथ में सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर रही थी। उसे दम मारने की फुर्सत नहीं मिलती। मोबाइल उन दिनों था नहीं जो हर समय दोस्तों से बात कर सके। घर बात करने के लिए प्रीति हफ्ते में एक बार हॉस्टल के पीसीओ जा पाती थी। प्रीति स्नेहा को याद करती पर बात नहीं हो पाती। पता नहीं स्नेहा कैसी होगी, उसकी तबीयत, उसकी माँ का क्या हाल होगा। एक लंबी सांस खींचकर प्रीति किताब खोलकर पढ़ने बैठ जाती।
स्नेहा से मिले हुए प्रीति को 10-11 महीने हो रहे थे। प्रीति दिल्ली से छुट्टियों में अपने घर आई हुई थी। कहते हैं किसी को शिद्दत से याद करो तो वो मिल ही जाता है। उस दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ, इसलिए तो स्नेहा ने प्रीति को अचानक ही फोन लगा दिया था। अब प्रीति दूसरे दिन स्नेहा के फोन का इंतजार कर रही थी और साथ ही चिंतित भी थी, क्योंकि स्नेहा ने हॉस्पिटल जाने की बात कहकर फोन काट दिया था। कुछ देर बाद फोन की घंटी बजी। नेहा ने पहली बेल बजते ही रिसीवर उठा लिया। हेलो स्नेहा। हाँ प्रीति, मैं स्नेहा बोल रही हूँ। स्नेहा, कल तुमने हॉस्पिटल जाने की बात कहकर फोन काट दिया था, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हुई? प्रीति ने कुछ घबराते हुए पूछा। प्रीति, मुझे कल जाना था हॉस्पिटल डॉक्टर से मिलने। वही तो मैं पूछ रही हूँ स्नेहा, डॉक्टर से मिलने तुम्हें क्यों जाना था? प्रीति लगभग झुंझला कर बोली। प्रीति, जब तुम उससे मिलने हॉस्पिटल आई थी तो याद है तुम्हें, दो डॉक्टर्स मुझे एग्जामिन करने आए थे। हाँ हाँ याद है मुझे, एक तो तुम्हारे पहाड़ के थे और दूसरे एक जूनियर डॉक्टर थे। हाँ, वो पहाड़ वाले डॉक्टर स्वप्निल जोशी, उन्होंने मुझे बुलाया था, स्नेहा बताने लगी। प्रीति, तुम्हें याद है ना मेरी तबीयत कितनी खराब थी, खून की उल्टियां हो रही थी, मेरा चेहरा कैसा स्याह पड़ चुका था, मम्मी की हालत तो तुम जानती ही हो। जब मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया तो मेरी हालत बहुत खराब थी। ऐसे में डॉक्टर स्वप्निल ने ही मुझे एग्जामिन किया, उनकी ही दवाओं से मेरी उल्टियां रुकी, थोड़ी तबीयत कुछ कुछ ठीक होने लगी। अब जब भी डॉक्टर स्वप्निल मेरा चेकअप करने आते तो मुझे आदतन हंसी आ जाती। तुम्हें तो पता है ना, मुझसे ज्यादा देर सीरियस नहीं रहा जाता। उस दिन भी डॉक्टर स्वप्निल को देख मैं यूं ही हंस पड़ी। डॉक्टर ने पूछा, हेलो स्नेहा, फीलिंग बेटर नाउ? या डॉक्टर, मैंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। पूरा आराम कीजिए स्नेहा, और मेडिसिन टाइम से लीजिए, पूरे 6 महीने का कोर्स है। जी डॉक्टर, मैं फिर मुस्कुरा उठती और डॉक्टर स्वप्निल भी मुस्कुरा देते। एक दिन मैंने शीशे में अपना चेहरा गौर से देखा तो मैं खुद घबरा गई। आंखें धसी, चेहरा पीला, सारी रंगत चली गई थी। बस कुछ नहीं गया था तो वो थी मेरी हंसी। मम्मी की चिंता, पापा की चिंता, दादी भी बूढ़ी हो चली हैं, कैसे क्या होगा, और मेरी भी तबीयत, भाई भी छोटा है, क्या जरूरत थी भगवान मुझे इस तरह बीमार करने की। बहुत गुस्सा आता मुझे, पर इन सब के बीच जिंदगी से मैं कभी नफरत नहीं कर पाती। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी हम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा।
अच्छा एहसास हुआ तो बरबस ही होठों पर मुस्कान आ जाती। सो डॉक्टर स्वप्निल का एहसास भी कुछ मीठा सा था। डॉक्टर स्वप्निल से मैं धीरे धीरे खुलने लगी। उन्हें मेरे घर के बारे में, मम्मी के विषय में बताया। डॉक्टर स्वप्निल गंभीरता से मेरी बातें सुनते। मुझे भी उनसे बातें करना अच्छा लगता। उस दिन मेरा बर्थडे था। डॉक्टर स्वप्निल मुझे चेक करने आए तो स्टेथोस्कोप के साथ उनके हाथों में लाल गुलाब के फूलों का बुके भी था। उन्होंने बुके पकड़ाते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे स्नेहा। पर आपको कैसे पता चला डॉक्टर? मैंने चौंकते हुए पूछा। स्नेहा, वो एक्चुअली मैंने तुम्हारी फाइल देखी थी, वहां बर्थडे की एंट्री थी, वहीं से पता चला, डॉक्टर स्वप्निल मुस्कुराते हुए बोले। अच्छा, तो डॉक्टर साहब मरीज की सारी एनाटॉमी भी देख लेते हैं, मैंने भवे तिरछी कर हंसते हुए कहा। डॉक्टर स्वप्निल कुछ ऑकवर्ड फील करने लगे, फिर कुछ सीरियस होकर मेरी ओर मुखातिब हुए। स्नेहा, आज तुम्हारा बर्थडे है, उपहार तो मुझे देना चाहिए, पर एक उपहार मैं तुमसे मांगना चाहता हूं। क्या? कैसा उपहार? मैंने हैरानी और आशंका से प्रश्न किया। डॉक्टर स्वप्निल बिना एक पल की देरी किए हुए कह उठे, स्नेहा मुझसे शादी करोगी? मैं आश्चर्य में पड़ गई। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहूं। मेरे कानों में ऐसा लगा मानो गर्म हवा निकल रही हो। दिल बैठा जा रहा था। सुन्न सी हालत हो गई थी मेरी। मैंने लड़खड़ाती जुबान से कहा, पर डॉक्टर, मेरी बीमारी, मेरी मां की हालत, आप तो सब जानते हैं, आप फिर कैसे? आवाज मानो घुटकर गले में ही अटक गई। डॉक्टर स्वप्निल ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, स्नेहा तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, 6 महीने नियमित दवा लो, सब ठीक होगा, और मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारे घर की स्थिति को जानता हूं, ये सब जानते हुए भी मुझे तुम्हारा ही हाथ थामना है, पता है क्यों? क्योंकि तुमसे मिलकर मेरी दवाओं, इंजेक्शन, ऑपरेशन से भरी रूखी जिंदगी में मुस्कुराहट आ जाती है, मेरी सीरियसनेस में चंचलता आ जाती है, तुमसे मिलकर जिंदगी से प्यार होने लगता है, मेरा खालीपन भरने लगता है। बोलो स्नेहा, मेरा साथ तुम्हें पसंद है? डॉक्टर स्वप्निल इतना कहकर नम आंखों से मुझे देखने लगे। मेरी पलकें अनायास ही झुक गईं। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। अपने दिल की जवान धड़कनों को गिन के बता, तू अपने दिल की जवान धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं,
की झुकी सी नजर। डॉक्टर स्वप्निल की बातों में, उनके हाथों के स्पर्श में भरोसे की खुशबू को मैंने खूब महसूस किया। और फिर क्या हुआ, प्रीति ने उछलते हुए पूछा। फिर क्या हुआ? हुआ ये कि इस संडे को मेरी इंगेजमेंट है डॉक्टर स्वप्निल के साथ, और उस दिन मुझे उन्होंने रिंग पसंद करवाने के लिए ही हॉस्पिटल बुलाया था। तुम्हें जरूर आना है, स्नेहा बोलते हुए अपनी स्वाभाविक हंसी के साथ हंस पड़ी। अच्छा, तो इसलिए हॉस्पिटल जाना था, और मैं ना जाने क्या क्या सोचने लगी। वैसे स्नेहा, तुमने अपनी हंसी में डॉक्टर को फंसा ही लिया। सच, मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए। वैसे डॉक्टर साहब ने ठीक ही कहा था, तुमसे मिलकर वीरान जिंदगी में बाहर आ जाती है, बोरिंग जिंदगी रंगीन लगने लगती है और जिंदगी से प्यार होने लगता है। आखिर प्यार है नाम तुम्हारा स्नेहा डियर। और तुम्हारा भी, स्नेहा खनकती हुई आवाज में बोल पड़ी। दोनों सहेलियां एक दूसरे को फोन में ही मन भर कर महसूस करते हुए जोर से खिलखिला पड़ी। जाती है उमंगे, धड़क
आप सुन रहे थे डॉक्टर जया आनंद की लिखी कहानी उन्हीं के स्वर में, प्यार है नाम तुम्हारा। श्रोताओं की सेवा में विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।